आज बनाएंगे हम बिल्कुल हलवाई जैसा मलाई घेवर। और अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो आप ये घेवर बना सकते हैं। घेवर बनाना बिल्कुल आसान है, एक बार पूरा वीडियो देखोगे ना तो आसानी से आप बना पाओगे। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप, 1/4 कप देसी घी। फ्रिज में ठंडा करके लिया है, मतलब जमा के लिया है, क्योंकि हम इसे फेंटेंगे इसीलिए। तो साथ में हम डाल रहे हैं इसमें 3 से 4 आइस क्यूब बर्फ़ के टुकड़े। ढक्कन बंद करेंगे और इसे मिक्सर में एक बार चला देंगे, जिससे क्या होगा, जो घी है वो एकदम मक्खन मक्खन जैसा हो जाएगा। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखो घी हमारा एकदम मक्खन जैसा हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप, लगभग 125 ml से 150 ml के बीच में, मतलब 125 ml या 150 ml तक। आप इसमें मिल्क डालिए, मिल्क जो है वो ठंडा है, फ्रिज में ठंडा किया हुआ है। अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिक्सर में चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये मलाई जैसा हो जाएगा। ये देखो ऐसे झाग झाग से बन गए हैं ना। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के बेसन। साथ में हम डालेंगे इसमें मैदा। मैदा यहाँ मैंने 1 कप ली है, 1 कप में 120 ग्राम मैदा आती है, पहले छान के ली है। थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। पानी मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है, 125 ml, और बैटर बना के हम तैयार कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी मैदा इसलिए डाल रहे हैं ताकि लम्स ना पड़े बैटर में, इसलिए हमने 3-3, 4-4 चम्मच करके हम मैदा डाल रहे हैं। 3-4 बैच में आप ऐसे डाल लेना। मैदा डाल दी, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे एक बार मिक्सर में चला देना, जिससे क्या होगा, बैटर आपका तैयार हो जाएगा, लम्स फ्री, बिल्कुल लम्स नहीं रहेंगे इसमें। वैसे तो ये प्रोसेस हलवाई लोग हाथ से करते हैं, पर हम यहाँ पे मिक्सर का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि फटाफट से हमारा बैटर तैयार हो जाए और हमारे हाथ भी गंदे ना हो। ये देखिए बैटर हमारा तैयार है, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखो एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। अब क्या करते हैं, एक बोतल ली है मैंने, स्क्वीज़ बोतल, इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपना बैटर जार से बोतल के अंदर, और फिर हम घेवर बनाएंगे इससे। ढक्कन बंद कर देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ, जहाँ पहले ही मैंने तेल गर्म करने रखा हुआ है। रिफाइंड तेल है, ये सॉस पैन है जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं ना घर पे, वही वाला पैन है ये। इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखा मैंने, तेल हमारा अच्छा गर्म है, बैटर जो है साइड में सेटल हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा तेल अच्छा ठीक गर्म है जैसा हमें चाहिए। अब हम ऐसे डालेंगे बैटर, थोड़ी हाइट से डालिएगा ताकि अच्छे से साइड में सेटल हो गया है, ऑटोमेटिक ही साइड में सेटल हो जाएगा और एकदम जाला बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये देखिए जैसे मैं डाल रहा हूँ साइड में होता जा रहा है, और जैसे ही आवाज़ कम हो, ये जो छुन छुन की आवाज़ आ रही है ना, ये जैसे ही कम हो फिर से आप डालना इस तरीके से, और बीच में जगह कर देना। अगर ऐसे पूरा बंद हो जाए तो बीच में जगह कर लेना आप, और फिर से बैटर डालना स्टार्ट कर देना। एक अच्छा जाला बन जाए तब तक आपको ऐसे बैटर डालना है। अभी देखो जाला हमारा बन गया है, घेवर हमारा बन चुका है। इसे हम साइड से नाइफ से इस तरीके से करेंगे ताकि ये निकल जाए आसानी से, और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमने बना के तैयार कर लिया है। ऐसे ही मैं बाकी बना लूँगा, टोटल मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं। इसे हम छलनी में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल छलनी के सहारे नीचे निकल जाएगा। नीचे मैंने कढ़ाई लगा रखी है ताकि कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल आ जाए। और अब इसके लिए हम ना शुगर सिरप बनाएंगे, मतलब कि चाशनी। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने ये 1 कप पानी डाल दिया है, साथ में 2 कप चीनी डाल रहे हैं हम। टोटल 400 ग्राम चीनी और 250 ml पानी डाला है। जैसे चीनी घुल गई, हमने इसमें कुछ केसर के धागे डाल दिए और 1/2 टीस्पून गुलाब जल डाल दिया है मैंने। साथ में इलायची पाउडर, 4-5 इलायची को अच्छे से कूट के पाउडर बना के डाला है। और 1 तार की हम चाशनी बना लेंगे। जैसे दिखे कि 1 तार बन रहा है इसमें, हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे अपनी चाशनी को। मैंने मावा लिया है, 250 ग्राम मावा, इससे 3 घेवर हमारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 250 ग्राम मावा में मैंने ये केसर वाला दूध लिया है, 2-3 टेबल स्पून मिल्क होगा, ठंडा मिल्क है ये। इसमें मैंने केसर के कुछ धागे डाल दिए ताकि वो कलर आ जाए, फ्लेवर आ जाए केसर का। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, चाहो थोड़े से ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो इसमें, वैसे हम बाद में ऊपर से गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट की।
और चाशनी जो है वो हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की गर्म है। और ये हमारा तैयार है मावा। अपने जो घेवर हमने बनाए थे उनके ऊपर हम चाशनी डालेंगे जो हमने शुगर सिरप बनाया है। ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक इसलिए रख रहा हूँ ताकि चाशनी नीचे तक सब में आ जाए। चाशनी अच्छे से लगा देंगे, एक मैंने अलग रख दिया है और बाकी जो दो बचे हैं इस पर थोड़ा सा और डाल देते हैं चाशनी, कहीं कम ना रह जाए इसीलिए। और ऊपर से तो हम मलाई अपनी लगाएंगे ही, मावा लगाएंगे अपना। तो एक पे मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको मावा। कुछ नहीं करना है, बस ऊपर लगाना है, टॉप करना है, और कुछ बादाम और पिस्ता जो बारीक कटे हुए हैं उससे आप गार्निश कर देना। गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ भी आप इस पे लगा सकते हो गार्निशिंग में। और ये देखो बादाम, कटे हुए बादाम लगा रहा हूँ, साथ में कटे हुए पिस्ता के टुकड़े। ये हमारा घेवर बनके बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। हमने घेवर रिफाइंड तेल में बनाया है, आप चाहो तो देसी घी में भी बना सकते हो, चाहो तो फ्रीज में रखना चाहो तो रख सकते हो। ये हमारा घेवर बिल्कुल तैयार है, बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।